नमस्कार वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर सबा करीम ने युवा सलामी बल्लेबाज अभिमन्यु ईश्वरन को लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल अभिमन्यु ईश्वरन इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया के स्क्वाड में शामिल है और सबा करीम की माने तो अगर टेस्ट सीरीज के पहले दो मैच में हमारे सलामी बल्लेबाज नहीं चलते तो उन्हें मौका जरूर दिया जाना चाहिए। दरअसल शुभमन गिल की इंजरी के बाद भारतीय टीम मैनेजमेंट ने दो खिलाड़ियों को इंग्लैंड टूर पर भेजने की मांग की थी। खबरों के मुताबिक पृथ्वी शॉ और देवदत्त पडिक्कल को टीम में शामिल किए जाने की मांग की गई थी, हालांकि चयनकर्ताओं ने इससे इनकार कर दिया था। इसके बाद खबर आई कि बीसीसीआई ने टीम मैनेजमेंट से कहा है कि वो अभिमन्यु ईश्वरन को टीम में शामिल करें। एक टीवी चैनल के साथ बातचीत में पूर्व भारतीय क्रिकेटर सबा करीम ने अभिमन्यु ईश्वरन को भारतीय टीम में शामिल किए जाने का समर्थन करते हुए कहा, यह एक लॉजिकल कदम है। अगर कोई सलामी बल्लेबाज चोटिल हो जाता है तो दूसरे खिलाड़ी को उसकी जगह लेनी चाहिए। अभिमन्यु ईश्वरन टीम में शामिल किए जाने के हकदार क्योंकि उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। वो स्टैंड बाई प्लेयर के तौर पर टीम के साथ पहले भी रह चुके। ये एक काफी समझदारी भरा फैसला है। अगर पहले दो मैचों में उन्हें मौका नहीं मिला और अगर हमारे ओपनर नहीं चले तो फिर उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया जाएगा। ये उनके लिए बड़ी उपलब्धि। आपको बता दें, टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 4 अगस्त से होने जा रहा है। शुभमन गिल के चोटिल हो जाने के बाद भारतीय चयनकर्ताओं ने अभिमन्यु ईश्वरन को टीम में शामिल किए जाने की बात कही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस युवा खिलाड़ी को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के 5 मैचों में प्लेइंग 11 में जगह मिलती है या नहीं। इस खबर में फिलहाल इतना है। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।